नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। आज चार राज्यों पर जारी मतगणना के बीच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए आनंद महिंद्रा ने कहा, लोकतंत्र का एक्शन किसी भी खेल या ब्लॉकबस्टर फिल्म की तुलना में कहीं अधिक मनोरंजक और रोमांचकारी है। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा नेता सीटी रवि ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा सबसे बड़ा पनौती कौन है। चुनाव नतीजे आते ही 2024 की तैयारियों में लगी कांग्रेस। खड़गे ने 6 दिसंबर को बुलाई इंडिया गठबंधन की बैठक। एमपी में बड़ी राजनीतिक हलचल, आज शिवराज सिंह से मिलने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। झारखंड के कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे मुकेश का चपरासी के पद पर हुआ चयन, सिविल कोर्ट में 4th ग्रेड पर हुआ सिलेक्शन। बेटे ने कहा, पिता राजनीति में रहे तो जरूरी नहीं मैं भी रहूं। नकली नोट मामले में एनआईए का चार राज्यों में की छापेमारी, जहां महाराष्ट्र में 2 तो कर्नाटक, बिहार और यूपी में एक एक जगह हुई छापेमारी। मौसम विभाग के अनुसार मिचोंग तूफान के चलते 144 ट्रेनें हुई रद्द। तमिलनाडु में एसडीआरएफ के 100 जवान किए गए तैनात, हाई अलर्ट जारी। भूटान की जमीन हथियाने की फिराक में चीन, रिपोर्ट का दावा, चीन ने भूटान के पश्चिमी इलाके में सड़कें बनाई, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दिया कब्जा। अलक्सा मस्जिद के इमाम के घर को इजरायली सेना ने घेरा। वहीं गाजा में फैल रही है ब्रेन डैमेज करने वाली बीमारी। जंग के बाद गाजा में बफर जोन बनाएगा इसराइल। अमेरिका और अरब देशों को इसराइल ने शेयर किया अपना प्लान, इससे गाजा में रहने की जगह और कम हो जाएगी। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। हरियाणा के कलानौर खंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पहली प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि देश की जनता ने राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को माना है, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस की गारंटी को खारिज कर दिया है। वहीं दरअसल बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत की तरफ बढ़ते हुए देख राजस्थान के तिजारत सीट से मस्तनाथ मठ के महंत और अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ आगे चल रहे थे, जहां आज सुबह से ही भाजपा के प्रदेश कार्यालय व मस्तनाथ मठ में जश्न की तैयारियां देखने को मिली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने 3 राज्यों की जीत को ऐतिहासिक बताया। दरअसल उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का परिणाम आया है। नायब सैनी ने कहा कि देश के लोग प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करते हैं और 9.5 साल की योजनाओं से हर वर्ग को लाभ हुआ है। यही वजह है कि 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। साथ ही कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जबरदस्त काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 100 रुपये भेजते हैं तो मनोहर लाल 125 रुपये का विकास कार्यों में खर्च करते हैं। मनोहर लाल ने कांग्रेस राज के लीकेज को बंद किया और जल कल्याण कर रहे हैं। बताते चले कि वही इसी दौरान नायब सैनी ने बेरी में माता भीमेश्वरी देवी का आशीर्वाद भी लिया। स्थायी मान्यता प्राप्त हरियाणा के स्कूलों की विशेष बैठक बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें स्कूलों को स्थायी मान्यता दिलाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं इस मौके पर हरियाणा के अन्य जिलों से निजी स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी पहुंचे और उन्होंने इस सरकार का तुगलकी फरमान करार दिया। साथ ही कहा कि सरकार के इस निर्णय से लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। देखिए एक रिपोर्ट। आज बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग के अंदर हम लोग आए हैं और यहाँ सभी जिलों से आए हुए साथियों ने सामूहिक तौर पर फैसला लिया है कि जल्द से जल्द इस एक्सटेंशन को करवाया जाएगा और एक्सटेंशन के बाद सिर्फ एक्सटेंशन ही नहीं, इसके स्थायी समाधान के लिए भी मंत्रिमंडल से मिला जाएगा। कि आज बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तत्वाधान में ऑल एसोसिएशन ऑफ हरियाणा की एक मीटिंग का आयोजन विश्वकर्मा स्कूल जो हमारा है बल्लभगढ़ में त्रिका कॉलोनी में, यहाँ हमने एक मीटिंग आयोजित की है जिसमें वन स्टेट वन यूनियन के एक प्रधान हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट है भाई सुमित चावला जी मेरे साथ में, और उनके साथ ही हमारे महामंत्री सतीश जी, भरत शर्मा जी, जेपी अग्रवाल जी और मेरे सारे फरीदाबाद के शिक्षाविद यहाँ इसे मेरी शॉर्ट नोटिस की मीटिंग पर आमंत्रित हुए। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आज एक करंट मुद्दा है हमारा सभी का कि फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा के अंदर 2 प्रकार के स्कूल की कैटेगरी बनी हुई है। एक स्कूल हैं जो परमानेंट स्कूल हैं जिनको स्थायी मान्यता सरकार की तरफ से मिली हुई है। दूसरे स्कूल ये हैं कि जो कुछ स्कूल अस्थायी मान्यता हैं, जो पुरानी 2003 की नियमावली थी उससे वो स्कूल चले आ रहे हैं,
जिन्हें सरकार एक एक साल के लिए एक्सटेंड करती आ रही है। तो आज उन्हीं के मुद्दे पर हमने सब भाइयों का विचार लिया है। जितने भी हमारे जितने स्कूल संचालक से, चाहे वो होडल से आए, चाहे रोहतक से आए, चाहे फरीदाबाद से, उन्होंने सबने अपना विचार हमें दिया है और सबका एक ही मत है कि जो हम हर साल एक साल के लिए मांग करते हैं सरकार से, आज उसमें हमने संशोधन किया है कि हम एक्सटेंशन तो इस साल चाहेंगे ही, लेकिन हम चाहेंगे कि ये सारा संकट एक बार ख़त्म होना चाहिए। कि जब 23 साल से जब पुरानी मान्यता पर ये स्कूल चले आ रहे थे, जब कोई नियम नहीं था, और उसी नियम पर हमको एक कलम से सरकार स्थायी मान्यता कर दे, तो ये आज फैसला हुआ है। और मेरी दूसरी एसोसिएशन जो हमारे अब जो पहुंची है उनका भी, और यमुनानगर के एसोसिएशन का समर्थन है, आपकी बता दूं मैं हिसार के एसोसिएशन का हमें समर्थन प्राप्त हुआ है, क्योंकि कुछ साथियां हैं, उन साथियों को भी इस मीटिंग में पहुंचना था। उन्होंने हमें कहा है कि प्रधान जी, जो इतना विषय आप लोगे, आल हरियाणा यदि एकत्रित करना पड़े, तो आज निर्णय हुआ है और सभी ने ये राय दी है कि हम एक हफ्ते के अंदर, यानी मंडे से और अगले हफ्ते के अंदर, अपने 5-5 विभागों के मंत्री मूलचंद शर्मा जी, उनको मिलेंगे, उनसे इस गुहार को लगाएंगे। आपका फरीदाबाद का सारा मीडिया वहाँ होगा, उसके साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री जो हमारे कंवरपाल गुर्जर जी हैं, जो हमारी सारी बातों को अच्छी तरह से सुनते हैं, हर साल हमें एक्सटेंड करते हैं, हम कहेंगे कि एक्सटेंड के साथ साथ हमें परमानेंट इलाज चाहिए। विकास क्रांति रैली के जरिए आप पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए परचम लहराया, वहीं सीएम भगवत मान ने की जनता से अपील। दरअसल सीएम भगवत मान ने जनता से कहा कि आपका पौधा लगाएं, फल और फूल हम देंगे। बता दें कि विकास क्रांति रैली के जरिए आपने गुरदासपुर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाया। वहीं विकास क्रांति रैली के जरिए आम आदमी पार्टी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए परचम लहरा दिया। बताते चले कि गुरदासपुर में आयोजित की गई विशाल रैली में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे और हलके में चुनावी बिगुल फूके गए। पवित्र ब्रह्म सरोवर के तट पर 7 दिसंबर से शुरू होने वाला अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती बेहद खास और पर्यटकों को नई अनुभव देने वाला होगा। दरअसल बता दें कि महोत्सव में पहली बार हॉट एयर बैलून से लेकर पैराग्लाइडर तक का रोमांच शामिल रहेगा। इसके लिए विशेष तौर पर रनवे तैयार किया गया है। यही नहीं, महोत्सव में ही पर्यटक केदारनाथ और मां वैष्णो देवी के भी दीदार कर सकेंगे। इसके लिए उसी के तर्ज पर गुफाएं भी बनाई जाएंगी ताकि पर्यटकों को धाम की वास्तविकता का अनुभव हो सके। वहीं इसके लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से विशेष कारीगरों को बुलाया गया। बताते चले कि महोत्सव को खास बनाने के लिए KDB ने पहल की है। 17 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुभारंभ करेंगे। इस बार असम को स्टेट पार्टनर बनाया गया है। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।